हम सीधे रुख करना चाहेंगे इस वक्त एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, पहला सवाल, इस बार सरकार कैसे बनेगी? पिछली बार जो अहम मंत्रालय थे आपके पास थे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री पद हो या फिर गृह मंत्रालय हो, मगर इस बार एनसीपी कमजोर होती नजर आ रही है, तो क्या आप इन मंत्रालयों को त्यागने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि दोनों ने मिलकर अच्छे तरह से हमने चुनाव जीता है और सीटों का बंटवारा उसके पश्चात जो सीटें हमको जीत में मिली है, कांग्रेस को मिली है, दोनों को मैं समझता हूं कि काफी समाधान है कि हमारी मेजॉरिटी है। और जहां तक फॉर्मूला कांग्रेस और एनसीपी के बीच में 10 साल से ठहराया हुआ है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहेगा, हमारा उप मुख्यमंत्री रहेगा, जो बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी 10 साल से बनी हुई है, एक सेट फॉर्मूला है, उसमें कोई आज कोई बदलाव आने की कोई ऐसी बात नहीं है। पिछले वक्त जरूर हमने ज्यादा सीट होते हुए भी मुख्यमंत्री कांग्रेस के लिए छोड़ा था, कुछ उसके लिए हमने विशेष शर्तें रखी थी, वो इस बार हम इस बात को वापस पुराने फॉर्मूला पे हम जाएंगे। आप पुराने फॉर्मूले पर जाएंगे, मगर इस वक्त आपके पास बार्गेनिंग पावर बची नहीं है प्रफुल्ल पटेल साहब। क्यों, ऐसे बार्गेनिंग पावर क्या है, इसमें कोई बार्गेन थोड़ी, हम दोनों पार्टनर है, हम कोई यहां पर सौदेबाजी करके तो सत्ता पे नहीं आए हैं, हमने प्री पोल अलायंस किया है, समझदारी के साथ एक समझौता हुआ है और एक दूसरे के प्रति हमारा मतलब एक सम्मान है, और इसलिए इसमें आप ये बार्गेनिंग पावर जो ये शब्द यूज कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जहां तक कांग्रेस और एनसीपी के बीच में, हम मानते हैं ना कि कांग्रेस हमसे बड़ी पार्टी है, इसलिए मुख्यमंत्री हमेशा कांग्रेस का रहता है, और ये बात हम कहीं उसमें कोई दूसरी बात हम आज कर रहे हों तो बात अलग है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और इसलिए दोनों सम्मानजनक तरीके से एक दूसरे को मतलब रिश्ता रखते आए हैं, तभी तो आज हमारा 10 साल से सरकार और पुनः 5 साल के लिए हमको जीत मिली है। जी हाँ, 10 साल से सरकार बनी हुई है, मगर अभी भी कुछ तब्दीली जरूर आई है पूरे सूरत हाल में।